हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिश अपॉन द स्काई के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है, जहाँ पी को अपने आप से बात करते हुए दिखाया जाता है, और वो कंटिन्यू कहे जा रहा था कि वो नान को लाइक करता है। इसके बाद वो फील करता है कि सुताया उसके पास है, और वो पी को वही बात कहता है कि टाइम मैटर करता है और पी उसे एक दिन प्यार करने लग जाएगा। पी उसे वहाँ देखकर बिल्कुल घबरा जाता है, और फिर वो यहाँ वहाँ देखता है तो वो देखता है कि उसके रूम पे कोई नहीं है। तब जाकर उसे शांति मिलती है। इसके बाद वो सोचता है कि वो सुताया के बारे में आखिर क्यों सोच रहा है। इसके बाद दियान की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ दियान एक ऑनलाइन वेब नॉवेल को रीड कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा लाउडली रीड कर रहा होता है, और उसके पास में मीन सोया होता है, बट उसकी आवाज़ों की वजह से मीन नींद से जाग जाता है, और वो दियान को चुप रहने को बोलता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लाउडली बोल रहा होता है, जिसकी वजह से मीन सो नहीं पा रहा। दियान उसे कहता है कि उसने सोचा कि वो सो चुका है, और वो मीन को सॉरी बोलता है। इसके बाद मीन दियान को बोलता है कि वो सो नहीं पा रहा, तो क्या वो उसके सर पे हाथ फेरेगा। दियान बोलता है, बट वो ऐसा क्यों करेगा। मीन उसे बोलता है, बिकॉज वो खुद ऐसा तो नहीं कर सकता। और वो दियान को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, और वो बोलता है कि आधी रात हो चुकी है और उसे मॉर्निंग में जल्दी उठना है। और वो दियान को इतने प्यार से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और वो मन में सोचता है कि मीन कितना क्यूट है। इसके बाद दियान होश में आता है और वो मीन की बात को मान लेता है। इसके बाद मीन दियान की गोद में अपना सर रख लेता है, तो दियान उसे कहता है कि उसने अपना सर उसके गोद में क्यों रखा। मीन कहता है कि वो ठीक से सो नहीं पाता, तो हर रात उसकी मॉम उसे ऐसे ही सुलाती है। इसके बाद मीन दियान से पूछता है कि वो डेंटिस्ट क्यों बनना चाहता था, तो दियान उसे अजीब अजीब सा आंसर देने लगता है। इसके बाद मीन की नज़र दियान के थाई पे बने एक टैटू पे जाती है, और वो दियान से पूछता है कि जब उसने ये टैटू बनाया था तो क्या उसे दुखा था। दियान कहता है कि उसे दुखा था, बट ये उसे पसंद है। तो मीन उसे पूछता है, बट ये फिश वाली टैटू ही क्यों। दियान उसे बोलता है, बिकॉज ये उसका जोडियक साइन है। तो मीन बोलता है, ये उसका भी जोडियक साइन है, तभी तो उसके पेरेंट्स ने उसका नाम मीन रखा। और वो बोलता है, ये दूसरी चीज हुई जो उन दोनों में कॉमन है। इसके बाद मीन दियान के टैटू को टच करने लगता है, जिससे दियान नर्वस हो जाता है, और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद मीन दियान को थैंक यू बोलता है, बिकॉज उसने हमेशा उसकी हेल्प की और हमेशा उसकी केयर की। पर दियान बोलता है कि उसने उसकी केयर और हेल्प कब की। मीन उसे फर्स्ट डे से लेकर आज तक की सारी बातों को याद दिलाता है, और वो दियान को थैंक यू सो मच बोलता है। इसके बाद वो दियान के गोद में सर रख के सो जाता है। दियान उसकी स्किन की तारीफ अपने मन में करने लगता है। आगे सीन चेंज होकर पी को मॉर्निंग में उसके बेड पे दिखाया जाता है, और वो अभी भी सुताया की बातों को सोच रहा होता है, और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सुताया को कभी लाइक नहीं कर सकता, वो सिर्फ नान को लाइक करता है। इसके बाद वो नान की पिक से बातें करने लगता है। इसके बाद वो कॉलेज के लिए रेडी होता है, और वो कहता है कि दियान सिर्फ उसका बॉक्सेस ही नहीं ले गया, बल्कि वो उसका लैब गाउन भी लेकर चला गया। इसके बाद वो दियान की परफ्यूम को लगा लेता है। इसके बाद वो कॉलेज के लिए निकलता है, और उसके फोन पे कई सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। इसके बाद वो अपना फोन चेक करता है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसे मैसेज किया होता है कि उसने सुताया की फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट की। इसके बाद दियान और मीन को मॉर्निंग में ब्रश करते हुए दिखाया जाता है। दियान की ब्रश बहुत ज्यादा पुरानी होती है, और वो ब्रश सही से नहीं करता, तो मीन उसे बोलता है कि डेंटिस्ट हमेशा अपने दांतों का बहुत ख्याल रखते हैं, बट उसने तो सही से ब्रश भी नहीं किया। दियान उसे बोलता है कि उसके दांत वैसे ही बहुत ज्यादा क्लीन है। इसके बाद मीन दियान के लिप्स को क्लीन करता है, जिससे दियान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दियान मीन को बोलता है कि उसके मॉम के अलावा किसी ने भी उसके साथ ऐसा नहीं किया। मीन उसे बोलता है कि कल जो उसने उसके सर पे हाथ फेरा, ऐसा सिर्फ उसकी मॉम ही उसके साथ करती है। ये कहकर मीन स्माइल करने लगता है, और दियान उसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद दियान वहाँ से भागता है, और मीन भी उसके पीछे पीछे जाता है, और उनको रास्ते में वो टीचर मिलती है, और वो उनसे लास्ट नाइट जो उनके बेड पे लिजर्ट मिला था उसके लिए सॉरी बोलती है, और वो उनको बताती है कि आज 4 वॉलंटियर्स आने वाले हैं। इसके बाद वहाँ किटी गैंग के लड़के आते हैं, और दियान उनको वहाँ देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, और वो लोग दियान के पास आकर उसे कहते हैं कि दियान उनका बेस्ट फ्रेंड है और उनका सबसे क्लोज फ्रेंड है। इसके बाद वो लोग टीचर से फ्लर्ट करने लगते हैं। इसके बाद दियान उनको अकेले में ले जाकर बोलता है कि वो लोग टीचर के साथ फ्लर्ट ना करें, तो वो लोग उसे बोलते हैं, बट उसका तो बॉयफ्रेंड मीन है, तो उसे क्या प्रॉब्लम है। दियान उन्हें बोलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि डेंटिस्ट के टेबल को कहाँ रखा जाए, बिकॉज उसने ही सबको बताया है कि वो डेंटिस्ट है, तो अब उसे विलेज के बच्चों के दांत को चेक करना होगा। इसके बाद पी को बस स्टॉप पे दिखाया जाता है, तभी वहाँ सुताया आता है। पी उसे बोलता है कि उन दोनों को बातें करनी होंगी, पर सुताया उसे बोलता है कि वो लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले वो उसके साथ रोड क्रॉस करें।
ही उसे कहता है कि वो खुद से भी रोड क्रॉस कर सकता है। सुताया उसे बोलता है कि उसके कॉन्टैक्ट लेंसेस नहीं खो गए हैं, तो उसे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा। आरोपी को कहता है कि जब उसके पैरों पे चोट लगी थी तो उसने भी उसे रोड क्रॉस करने में उसकी हेल्प की थी। इसके बाद वो दोनों एक बॉटल को पकड़ कर रोड क्रॉस करने लगते हैं, बट वहाँ खड़ी कई सारी गर्ल्स ये सब देख कर साउट करने लगती है। रोड क्रॉस करने के बाद सुताया पी को बोलता है कि उसके कॉन्टैक्ट लेंसेस बस थोड़े स्लिप हो गए थे, तो उसे लगा कि उसने उसे खो दिया और वो पी को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर पी सुताया को कहता है कि वो वापस आए और वो सुताया को कहता है कि उसने पी को बेवकूफ़ बनाया। इसके बाद कॉलेज में सबको वैक्सीन लग रहा होता है और पी उस जगह पे पहुँचता है और पी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। सुताया उसे शांत होने के लिए बोलता है और उसे पीने के लिए पानी देता है, पी वो पानी नहीं लेता। इसके बाद सुताया उसे कहता है कि उसे उसका ब्लड प्रेशर चेक करना होगा, बट पी उसे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो सुताया को कहता है कि वो बस वो सब डिलीट कर दे जो भी उसने अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे कहे हैं, बिकॉज सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद सुताया पी का ब्लड प्रेशर चेक करता है और वो कहता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है और वो उसके हार्ट बीट को भी चेक करता है और वो कहता है कि उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ है और वो पी को बोलता है कि उसे हार्ट डिजीज हुआ है और ये तब होता है जब वो उस इंसान के करीब होता है जिससे वो लव करता है। और वो पी को कहता है कि ये उसके साथ तब होता है जब वो सुताया के करीब आता है और वो पी से कहता है कि क्या वो इस बात को लेकर श्योर है कि वो सुताया को लाइक नहीं करता और वो पी से इस बात को एडमिट करने को बोलता है कि वो सुताया को लाइक करता है। और सुताया पी को बोलता है कि पी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो पी का वैक्सीन बनना चाहता है, पर पी उसकी बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पी को वॉशरूम में दिखाया जाता है जहाँ वो कह रहा होता है कि सुताया को कौन लाइक करेगा, पर उसे अभी अभी सुताया ने जो बातें बोली थी वो सब बातों को वो याद करने लगता है। इसके बाद पी को याद आता है कि वो अपना मास्क वहीं भूल गया, तो वो उसे लेने जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। इसके बाद पीछे से सुताया उसके पास वो मास्क लेकर आता है। सुताया उसे कहता है कि ये मास्क जरूर पी का है, बट बहुत जल्द पी सुताया का होने वाला है। पी सुताया की इन सारी बातों को सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर दियान को दिखाया जाता है जहाँ वो बच्चों के दांत को चेक कर रहा होता है, बट वो सबको अजीब अजीब सी बातें बोल देता है। इसके बाद अगेन पी को दिखाया जाता है जहाँ वो अकेले में बैठा सुताया की बातों को सोच रहा होता है और वो अपने आप को कहता है कि वो सुताया को लाइक नहीं कर सकता, वो तो बस नान को लाइक करता है। इसके बाद दियान को दिखाया जाता है जहाँ उसके चारों फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि वो मिन को लाइक करता है और वो उनसे झूठ ना कहे और वो दियान को ये बात एक्सेप्ट करने को कहता है, पर दियान उनकी बातों को नहीं मानता और वो कहता है कि वो मीन को लाइक नहीं करता। इसके बाद सीन चेंज होता है और पी इवनिंग में नान से मिलने जाता है। वो उसके लिए कई सारी खाने की चीज़ें लेकर जाता है और वो नान को कहता है कि उसने नान को उसके क्लास में बहुत ढूंढा, बट उसके फ्रेंड्स ने उसे बताया कि वो बीमार है और वो अपने घर पे रेस्ट कर रहा है, तो वो नान से मिलने यहाँ चला आया। तो नान उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे थैंक यू बोलता है और वो पी को कहता है कि वो उसके लिए इतनी सारी खाने की चीजें ले आया तो जरूर उसके हाथ दुख रहे होंगे। ये कहकर नान पी के हाथ को मसाज करने लगता है। इसके बाद पी नान को कहता है कि सुताया ने उसे बताया कि नान अकेला रहना पसंद नहीं करता और वो नान को कहता है कि कभी अगर वो अकेला महसूस करे तो पी से बात करे और अगर वो ऐसा करेगा तो पी बहुत खुश होगा। और पी उसे कहता है कि वो उसे अपना फ्रेंड समझे और वो नान को सुताया से ज्यादा बातें करने से मना करता है और वो कहता है कि सुताया अच्छा लड़का नहीं है। नान उसकी इन सारी बातों को सुनकर हंसने लगता है और वो पी को बोलता है कि क्या उसने रियलाइज किया कि वो सुताया के बारे में कितनी बातें करता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि कॉलेज में सारे लोग पी और सुताया के बारे में बातें करते हैं और वो उन दोनों को साथ में देखना पसंद करते हैं, पर पी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस सुताया उसे परेशान करता है। तो नान उसे कहता है कि सुताया उसे इतना टीज इसलिए करता है शायद वो पी के करीब आना चाहता हो, बट पी नान की इन सारी बातों को इग्नोर करता है। इसके बाद पी नान को कहता है कि वो उसे लाइक करता है और वो कहता है कि वो नान को लंबे टाइम से लाइक करता है, बट वो उसे कभी कह नहीं पाया। नान पी के करीब आकर उसके सीने पे अपना हाथ रखता है और वो कहता है कि थैंक यू, बट उसे ऐसा नहीं लगता। वो कहता है कि पी उसे लाइक नहीं करता बिकॉज अगर ऐसा होता तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती और क्या उसने सिर्फ इसलिए तो उसे कन्फेस नहीं किया कि वो किसी चीज़ से भाग रहा हो। और वो पी को कहता है कि उसे पी की बातों पे पूरा भरोसा है कि वो उसे ज़रूर लाइक करता था, बट अब वो किसी बात से डर रहा है कि वो किसी और से प्यार ना करने लगे। और वो पी को कहता है कि वो पी का सिर्फ फ्रेंड बन सकता है। पी उसकी इन सारी बातों को सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें सुताया दूर खड़ा देख रहा होता है। इसके बाद मीन को टेंट में दिखाया जाता है जहाँ वो दियान की चीज़ों को पैक कर रहा होता है। इसके बाद वो लैब गाउन पे लिखी नाम को देखता है
और वो उस नाम को सर्च करता है। इसके बाद सीन चेंज होकर पी को दिखाया जाता है। इसके बाद उसके पास सुताया आता है और वो उसे कहता है कि नान ने उसे बताया कि वो उसे मिलने आया है। इसके बाद पी और सुताया को साथ में बैठे हुए दिखाया जाता है। पी उसे बताता है कि नान उसे कभी लाइक नहीं करेगा, तो सुताया उसे पूछता है कि वो नान को क्यों लाइक करता है। पी उसे कहता है कि नान गुड लुकिंग है, स्मार्ट है और केयरिंग है। सुताया कहता है तो ये लव नहीं है, ये बस एक अट्रैक्शन है। और वो पी को कहता है कि वो अपने आप से झूठ बोलना बंद करे कि वो नान को लव करता है। इसके बाद वो पी के हाथों को पकड़ कर कहता है कि भले ही वो झूठ कह सकता है बट उसके फिजिकल रिएक्शन तो सच बताते हैं। पी सुताया के पास रखे बियर को लेकर पी लेता है और वो वहीं सो जाता है। इसके बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो सुताया पी को लेकर अपने घर आता है और उसे अपने बेड पे लिटा देता है और वो पी के पास बैठ कर उसके बालों को सहलाने लगता है और उसके तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि वो पी की केयर करना चाहता है। इसके बाद पी जाग कर उसे कहता है कि वो कहाँ है। सुताया उसे बताता है कि वो उसके रूम पे है। पी उसकी इन सारी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और पी उसे कहता है कि इतनी रात हो चुकी है और उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा होगी। सुताया उसे बोलता है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी तो वो क्या करता। इसके बाद पी वहाँ से जाने लगता है तो सुताया उसे बोलता है कि वो सुताया के साथ रहने से इतना क्यों डरता है। पी उसे कहता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और वो कहता है कि उसे अब घर जाना होगा। इसके बाद पी अपने घर पे पहुंचता है और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम वहाँ पहले से बैठी होती है और उसकी मॉम के हाथों में वही बुक होता है जिसमें नान की पिक्चर होती है और उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो कहाँ था और वो इतना लेट घर क्यों आया। उसकी मामू से कहती है कि पी से अल्कोहल की स्मेल आ रही है और वो पी से पूछती है कि क्या उसने ड्रिंक किया है और उसकी मामू से बोलती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, वो आजकल उनसे बहुत दूर हो गया है और वो अपनी मॉम से बातें भी नहीं करता। और उसकी मॉम कहती है कि पी पहले कितना अच्छा था। पी अपनी मॉम की इन सारी बातों को सुनकर अपनी मॉम के हाथों से वो बुक ले लेता है और वो अपनी मॉम को बोलता है कि वो आज रात बाहर रहेगा पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद पी वहाँ से चला जाता है और पी को बाहर बारिश में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो नान की और अपनी मॉम की बातों को याद कर रहा होता है। इसके बाद वो रास्ते में गिर जाता है और तभी वहाँ सुताया उसके पास अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है और वो पी से पूछता है कि वो ठीक तो है। पी उसे रोते हुए बोलता है पर ऐसा हमेशा उसके साथ क्यों होता है और वो कहता है कि नान उसे लाइक क्यों नहीं करता और बचपन से लेकर आज तक उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ये कहकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है तो सुताया उसे हग करता है और वो उसे कहता है कि वो उसका वैक्सीन बनना चाहता है और पी सुताया को रिक्वेस्ट करता है कि वो पी को अकेला ना छोड़े। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।